जब लो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, मध्यान्हकालीन समय हो चला है और आप सभी सर्वप्रथम स्वाध्याय की श्रृंखला में आज इस स्वाध्याय को परिपूर्णता का रूप प्रदान करेंगे। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। विजित चौघाई कम्मे केवल नाणेन नाद सयलते वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्ना सवम वोच्छे। भगवान महावीर को नमन करके और उनके केवल ज्ञान के अनुसार जो गुणस्थान और मार्गनाओं का प्रकरण आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के अंदर कहा गया, उसका आप लोगों ने बहुत ही रुचि से स्वाध्याय किया, परीक्षाएं दी। अब आज अंतिम श्लोक से इस स्वाध्याय को परिपूर्ण कर रहे हैं। यदि मग्गणा सुजोगो पच्चय भेदो मया समासेण कही दो सुद मुनि ना जो भावई सो जाई पशुहम। इति मार्गणा सुयोग्य प्रत्यय भेदो मया समासेन कथिता श्रुत मुनिना यो भावयति स याति आत्म सुखम। आश्रव और अनाश्रव एवं विच्युति का यह वाचन इसी त्रिभंगी आश्रव का संक्षेप से मुनि ने किया कथन। श्री श्रुत मुनि कहते भव जीव जो इसका पठन श्रवण करते बार बार अनुचिंतन से निज आत्मा का सुख पा लेते। अर्थात श्रुत मुनि ने स्वयं कहा है कि इस प्रकार से मार्गणाओं में योग्य आश्रव के भेदों को मुझ श्रुत मुनि ने संक्षेप से कहा है। जो भव्य जीव पठन पाठन मनन करके इसकी भावना करते हैं वे आत्म सुख को प्राप्त करते हैं। आत्म सुख को प्राप्त करना मतलब आश्रव की प्रक्रिया जानकर अनाश्रव की ओर बढ़ते हैं। अंतिम 62 नंबर का श्लोक है। पय कमल जुयल विणमिया विनेय जन कय सुपूय महपो निज्य मयन पहावो सो वालिंदो चिरम जयऊ ते विनत शिष्य गण सब जो कामारी जई मुनिवर हैं ज्ञान ध्यान तप लीन रहे ऐसे गुरु श्री बाल चंद्र चिरकाल प्रवृति जयशील रहे। अर्थात इस गाथा के अंदर श्रुत मुनि ने अपने गुरुदेव बाल चंद्र मुनिराज को नमन किया है और उनके चिरकाल तक जयशील की भावना व्यक्त की है। अर्थात जिनके चरण कमल युगल में विनत हुए विनय शिष्य जिनकी पूजा महात्म्य को करते हैं, जिन्होंने कामदेव के प्रभाव को जीत लिया, ऐसे वे श्री बालचंद्र मुनिराज इस पृथ्वी तल पर चिरकाल तक जयवंत रहें। यानी कि श्रुत मुनि के गुरुदेव थे बालचंद्र मुनि और उन्होंने ज्ञान से सींचा अपने शिष्य को, जिस ज्ञान के आधार पर उन्होंने आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ को लिखा। और उनके लिखने के आज 700 साल के पश्चात हमने आपको स्वाध्याय कराया। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माताई ने आज से सन 1973 में अर्थात 50 साल पहले इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया और उनकी प्रेरणा पाकर उनकी चरण छाया में ही हमने आपको अच्छा इसका स्वाध्याय कराया है। अब आज इसका स्वाध्याय परिपूर्ण होता है। इस अवसर पर भगवान जिनेन्द्र को नमन करते हुए द्वादशांग वाणी
सरस्वती माता के श्री चरणों में नमन और सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और ये प्रेरणा है कि इस स्वाध्याय को छोड़ना नहीं और आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ को जो मैंने तीसरा चैप्टर आपको 10 मार्गणाओं का पढ़ाया है, थोड़ा जल्दी में पढ़ाया है लेकिन उसका बार बार अभ्यास करना और गणी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर ये प्रवचन अपलोड रहेंगे तो उनको भी आप श्रवण करके अपने विषय को मना करके ज्ञान की वृद्धि करना। इसके हिंदी पद्यानुवाद श्रीमती मालती शास्त्री धर्मालंकार बसंत कुंज दिल्ली ने हमें करके दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप इसी तरह से अपने ज्ञान की वृद्धि करती रहें और ऐसे साहित्य के सृजन में अपने जीवन को अवश्य में समर्पित करती रहें। जब लो आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की जय। आचार्य श्री सुत मुनि महाराज की जय। उनके गुरुदेव आचार्य श्री बालचंद्र मुनिराज की जय। और अब हम भैया तो बहुत जोर का डिस्टर्बेंस है। हाँ, अब ज्ञानांजलि महोत्सव प्रारंभ होता है। आप सभी ने प्रातःकाल ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन महोत्सव देखा पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से। देश के सुदूरवर्ती नगरों में भी बैठ करके लोगों ने इस महोत्सव का दीप जला करके उद्घाटन किया है और अब ये ज्ञानांजलि महोत्सव का द्वितीय सत्र अर्थात अब ये पहला दिन है। और पहले दिन को हमने बाराबंकी शहर का दिवस माना है कि जिस दिन ज्ञानमती माता जी ने जिस सन में बाराबंकी नगर के अंदर जाकर आचार्य श्री देशभूषण महाराज के केश लुंचन को देखते देखते अपना केश लोच करना शुरू किया और सन 1952 में उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही संयम को अपना करके गृह त्याग किया, सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए। आज उस नगरी से हमारी शीलू जैन, रुचि जैन, शशि जैन, पुष्पा जैन और रक्षा जैन ये लोग आई हुई हैं, महिलाएं जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल के सब पदाधिकारी बहने हैं और पूजा की सामग्री लेकर के। और बाराबंकी जैन समाज की ओर से पूज्य माता जी को ज्ञानांजलि स्वरूप ग्रंथ भेंट करने के लिए अयोध्या पधारी हैं। तो अब हम उस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं अर्थात सर्वप्रथम जो हमने प्रारंभ किया है, जरा सहस्र नाम मंत्र वाली किताब दे दो। सहस्र नाम भगवान के जिन सहस्र नाम मंत्रों का अनुष्ठान कराना है उन मंत्रों में से 100 मंत्र जो हमने आपको कह रखा है कि आप जो भी वस्तु उसमें चाहें तो उन वस्तुओं को रख करके और मंत्रों से बराबर उसको मंत्रित कर दें। पुस्तक जल्दी दें जिन स्तोत्र संग्रह में भी है। तो सर्वप्रथम ज्ञानांजलि महोत्सव का मंगलाचरण सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ से पधारे हैं, उनके द्वारा मंगलाचरण किया जाएगा। खड़े हो जाओ या तो इस बोले 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। बोले 108 श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश से सदा आचार्य जिन शासनो नीति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परम
कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। बोले गणनीय प्रमुख आर्कशो में श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब इसके पश्चात श्रीमती अर्पिता जैन धर्मपत्नी अध्यात्म जैन और श्रीमती दीप्ति जैन धर्मपत्नी सिद्धार्थ जैन ये अपना एक ज्ञानांजलि महोत्सव के संदर्भ में छोटा सा भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। अर्पिता जी और दीप्ति जैन शुरू करो। जय। आज वही शरद पूर्णिमा का 1952 का दिवस स्मरण किया जो बाराबंकी में प्रारंभ हुआ था। और अब हम सीधे प्रारंभ करते हैं सहस्र नाम मंत्रों को। जो वस्तुएं जो भी लोग चढ़ाना चाहें अर्थात मंत्रित करना चाहें शुरू करते हैं। श्री जिनवर के नाम है 1008 ज्ञान कली विकसित करे नाम मंत्र का पाठ। ओम रीम श्रीमते नमः। ओम रीम स्वयंभुवे नमः। ओम रीम वृषभाय नमः। ओम रीम संभवाय नमः। ओम रीम संभवे नमः। ओम रीम आत्मभुवे नमः। ओम रीम स्वयं प्रभाय नमः। ओम रीम प्रभवे नमः। ओम रीम भोक्त्रे नमः। ओम रीम विश्वभुवे नमः। ओम रीम अपुनर्भवाय नमः। ओम रीम विश्वात्मने नमः। ओम रीम विश्वलोकेशाय नमः। ओम रीम विश्वतश्चक्षुषे नमः। ओम रीम अक्षराय नमः। ओम रीम विश्वविदे नमः। ओम रीम विश्वविदेशाय नमः। ओम रीम विश्वयोनये नमः। ओम रीम अनश्वराय नमः। ओम रीम विश्वद्रश्वने नमः। ओम रीम विभवे नमः। ओम रीम धात्रे नमः। ओम रीम विश्वेशाय नमः। ओम रीम विश्वलोचनाय नमः। ओम रीम विश्वव्यापिने नमः। ओम रीम विधिये नमः। ओम रीम वेदसे नमः। ओम रीम शाश्वताय नमः। ओम रीम विश्वतो मुखाय नमः। ओम रीम विश्वकर्मणे नमः। ओम रीम जगज्येष्ठाय नमः। ओम रीम विश्वमूर्तये नमः। ओम रीम जिनेश्वराय नमः। ओम रीम विश्वदृशे नमः। ओम रीम विश्वभूतेशाय नमः। ओम रीम विश्वज्योतिषे नमः। ओम रीम अनीश्वराय नमः। ओम रीम जिनाय नमः। ओम रीम जिष्णवे नमः। ओम रीम अमेयात्मने नमः। ओम रीम विश्वरीशाय नमः। ओम रीम जगतपतये नमः। ओम रीम अनंतजिते नमः। ओम रीम अचिंत्यात्मने नमः। ओम रीम भव्यबंधवे नमः। ओम रीम अवंदनाय नमः। ओम रीम युगादिपुरुषाय नमः। ओम रीम ब्रह्मणे नमः। ओम रीम पंचब्रह्ममयाय नमः। ओम रीम शिवाय नमः। ओम रीम पराय नमः। ओम रीम परतराय नमः।
ओम रीम सूक्ष्माय नमः स्वाहा ओम रीम परमेष्ठिने नमः स्वाहा ओम रीम सनातनाय नमः स्वाहा ओम रीम स्वयं ज्योतिषे नमः स्वाहा ओम रीम अजाय नमः स्वाहा ओम रीम अजन्मने नमः स्वाहा ओम रीम ब्रह्मयोनये नमः स्वाहा ओम रीम अयोनिजाय नमः स्वाहा ओम रीम मोहार विजयने नमः स्वाहा ओम रीम जेत्रे नमः स्वाहा ओम रीम धर्मचक्रिणे नमः स्वाहा ओम रीम दयाध्वजाय नमः स्वाहा ओम रीम प्रशांतारये नमः स्वाहा ओम रीम अनंतात्मने नमः स्वाहा ओम रीम योगिने नमः स्वाहा ओम रीम योगीश्वरार्चिताय नमः स्वाहा ओम रीम ब्रह्मविदे नमः स्वाहा ओम रीम ब्रह्मतत्त्वज्ञाय नमः स्वाहा ओम रीम ब्रह्मोद्याविदे नमः स्वाहा ओम रीम यतीश्वराय नमः स्वाहा ओम रीम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम रीम बुद्धाय नमः स्वाहा ओम रीम प्रबुद्धात्मने नमः स्वाहा ओम रीम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम रीम सिद्धशासनाय नमः स्वाहा ओम रीम सिद्धाय नमः स्वाहा ओम रीम सिद्धांतविदे नमः स्वाहा ओम रीम ध्येयाय नमः स्वाहा ओम रीम सिद्धसाध्याय नमः स्वाहा ओम रीम जगद्दिताय नमः स्वाहा ओम रीम सहिष्णवे नमः स्वाहा ओम रीम अच्युताय नमः स्वाहा ओम रीम अनंताय नमः स्वाहा ओम रीम प्रभविष्णवे नमः स्वाहा ओम रीम भवोद्भवाय नमः स्वाहा ओम रीम प्रभुष्णवे नमः स्वाहा ओम रीम अजराय नमः स्वाहा ओम रीम अजर्याय नमः स्वाहा ओम रीम राजेश्वरवे नमः स्वाहा ओम रीम धीश्वराय नमः स्वाहा ओम रीम अव्ययाय नमः स्वाहा ओम रीम विभावसवे नमः स्वाहा ओम रीम स्वयंभूष्णवे नमः स्वाहा ओम रीम स्वयंभूष्णवे नमः स्वाहा ओम रीम पुरातनाय नमः स्वाहा ओम रीम परमात्मने नमः स्वाहा ओम रीम परंज्योतिषे नमः स्वाहा ओम रीम त्रिजगत परमेश्वराय नमः ओम रीम श्रीमदादि शतनामभ्यो नमः स्वाहा जलो जिन सहस्र नाम मंत्र की जय। ये एक शतक हुआ है। अब पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में बाराबंकी समाज से हमारी जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल की बहनें आई हैं, जो शास्त्र जी लेकर के यानी ज्ञानांजलि स्वरूप पूज्य ज्ञानमती माता जी के ही कर कमलों में ज्ञानांजलि अर्थात ज्ञान का उपकरण ग्रंथ भेंट कर रही हैं। आइए जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल बाराबंकी के द्वारा और संपूर्ण दिगंबर जैन समाज बाराबंकी का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती शीलू जैन, धर्मपत्नी कमलेश जी जैन, रुचि जैन, शशि जैन, पुष्पा जैन और कुमारी रक्षा जैन, ये लोग मिलकर के पूज्य माता के कर कमलों में ग्रंथ को भेंट कर रही हैं। कसाय पाहुड़ ग्रंथ जो इस युग का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी षटखंडागम से भी पहले ये कसाय पाहुड़ ग्रंथ लिखा गया श्री गुणभद्र आचार्य के द्वारा, उस ग्रंथ को भेंट कर रही। संयोग से आजकल माता जी इसी का स्वाध्याय भी कर रही हैं। हाँ, जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की ज्ञानांजलि महोत्सव की, और अब पूजन प्रारंभ करें इससे पहले बाराबंकी के भगवान चंदा प्रभु के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। सदी भी समी की पहली तुम, अच्छा पूज्य माता जी को वस्त्र भी भेंट कर रही हैं। चलिए जब लोग पूज्य ज्ञानमती माता जी की सदी, अब अर्घ ले लीजिए और चंदा प्रभु भगवान के चित्र को स्पॉटलाइट कर दें। भगवान चंदा प्रभु को आज प्रातः काल भी अर्घ चढ़ाया गया और वहां पर आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज के पावन सानिध्य में संपूर्ण समाज के लोग उपस्थित होकर के और उन्होंने ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन किया। अब यहां पर भी चूंकि ये प्रत्यक्ष में हमारी बहनें आई हुई हैं, अर्घ चढ़ाएंगी। सदी भी समी की पहली तुम बाल योगिनी हो माता, बाराबंकी शहर से सन 52 से जुड़ा संयम नाता, वहाँ के अतिशयकारी
चंद्र प्रभु जिनवर को है वंदन। मैना से जो बनी ज्ञानमती उन गणिनी माता को नमन। अर्घ समर्पण कर नमो चंद्र प्रभु जिन राज, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। भगवान चंदा प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाइए अर्घ। ओम रीम बाराबंगी अतिशय क्षेत्र से श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। पूज्य माता के चरणों में भी एक अर्घ बाराबंकी के स्मरण में चढ़ा दीजिए और उसके बाद पूरी पूजन करेंगे। ओम रीम बाराबंकी नगरे प्रथम गृह त्यागम कृत्वा शिव पथ प्रदर्शिका गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरपामिति। अब चलिए पूजन करते हैं। जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल की बहनें साक्षात अयोध्या में आकर ज्ञानांजलि समर्पित कर रही हैं और एक पद्मावती महिला मंडल की बहनें हैं श्रीमती मोनिका जैन, बबीता जैन आदि, वे लोग बाराबंकी के छोटे मंदिर में बैठ करके पूज्यगणी ज्ञानमती माता की पूजन की विशेष सामग्री उन्होंने वहाँ पर सजा रखी है और पूरे देश के लोग बैठ करके पूजन कर रहे हैं। तो अब हम पूजन प्रारंभ करते हैं। उधर भी एक माइक ले लो। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। स्थापना। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र उत्तरोत्तर समोषटावाहननम्। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नीतो भव भव षट सन्निधि करणम स्थापनम्। क्षीरोदधि जल लायके करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर पूर संग चरचूमा पदिसार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंडले अर्पु सदा सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामि अक्षपत प्राप्ते अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। पारस चैनल का समय समाप्त होते ही आप सभी लोग जूम चैनल पर आ जाइएगा और अपनी भक्ति को पूर्ण कीजिएगा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामबाण दशनाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहांधकाय विनाशनाय दीपम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकर्म दयनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाय के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम रीम दिव्य शक्ति भारत करो गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। और अब संगीतमयी जयमाला के साथ आप सभी भक्ति करें, पूर्ण अर्घ चढ़ाएं। आवाज जाना है मुझे मां
से मेरी जागा है मुझे माँ चरणों में सुनो ध्यान से मेरी माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली जिसे चढ़ा मैं तर जाऊँ ये भूसागर संसारी जिसे चढ़ा मैं तर जाऊँ ये भूसागर संसारी माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना श्रद्धा की थाली में प्रेम से आठों द्रव्य सजाना भांति भांति के अष्ट द्रव्य सब दुर्लभ चुन कर लाना श्रद्धा की थाली में प्रेम से आठों द्रव्य सजाना हीरा पन्ना मानक दे दो की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी जितने पुष्प मिले धरती पर लाने की तैयारी सूरजमुखी रात की रानी और जूही कचनारी गेंदा कमल मोगरा संग में मतवाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली श्रद्धा और भक्ति को मिलाने वेद बना दो ऐसा श्रद्धा और भक्ति को मिलाने वेद बना दो ऐसा अर्पण करते माँ चरणों में नशे क्षुदा का घेरा अर्पण करते माँ चरणों में नशे क्षुदा का घेरा श्रद्धा और भक्ति को मिलाने वेद बना दो ऐसा अर्पण करते माँ चरणों में नशे क्षुदा का घेरा लड्डू हलवा पेड़ा बर्फी लड्डू हलवा पेड़ा बर्फी कलाकंद रसवाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना आम नारंगूर और केला नारंगी भी मंगाना आम नारंगूर और केला नारंगी भी मंगाना ताजे सुंदर हरे फलों को ढूंढ ढूंढ कर लाना आम नारंगूर और केला नारंगी भी मंगाना अनानास से और संग में अनानास से बाहर संग में लीची गुच्छे वाली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली माँ की पूजन को थाली सजा दो अजब निराली
छूते ही चरणों को माता सुख अमृत बरसा दे, चरणों को माता सुख अमृत बरसा दे, अष्ट द्रव्य से पूजन कर लूं सोया भाग्य जगा दे, पूजन कर लूं सोया भाग्य जगा दे, छूते ही चरणों को माता सुख अमृत बरसा दे, अष्ट द्रव्य से पूजन कर लूं सोया भाग्य जगा दे, खिल जाए शंकी के मन की शंकी के मन की मुरझाई जो डाली, माँ की पूजन को थाली सजा दो जब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो जब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो जब निराली, माँ की पूजन को थाली सजा दो जब निराली, जाना है मुझे माँ चरणों में, जाना है मुझे माँ चरणों में, सुनो ध्यान से मेरी, इस प्रकार से आपने जयमाला के साथ खूब अच्छी से भक्ति किया। पूरा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज और राजस्थान आदि प्रांतों से भक्तगण जुड़े रहे और उन्होंने गुरु भक्ति की है, और गुरु भक्ति करके आज का आपको ज्ञानांजलि संकल्प भी बताया जाएगा। एक एक दिन एक संकल्प का पालन करना है, पहले अर्घ चढ़ाइए उसके बाद ज्ञानांजलि संकल्प। ओम रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्झरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका गणनी प्रमुखारिका श्रोमणि श्री ज्ञानमति मात्रे जलादि अर्घ्यम जयमाला पूर्णार्घ्यम शांते शांति धारा दी पुष्पांजलि क्षिपेत। बहुत ही अच्छी भक्ति की, और 15 अगस्त के आसपास का ये दिवस तिरंगे में लिपटी उन पद्मावती महिला मंडल की भी बहनों ने बाराबंकी से बहुत सुंदर भक्ति प्रदर्शित की। जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल ने साक्षात अपनी भक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की, और देश भर के भक्तों ने आज पहले दिन भक्ति प्रदर्शित की है। आज रात्रि में भी जिनवाणी ज्ञान महिला मंडल बाराबंकी की ओर से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम ऋषभ देव जूम चैनल पर आरती के पश्चात आप देख सकेंगे। तो आज का सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आज का आचरण स्वरूप ज्ञानांजलि संकल्प है कि आज की शाम आप सब भगवान की आरती और गणनी ज्ञानमती माता जी की आरती के साथ जुड़ें। जितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं सब लोग आज का आचरण स्वरूप ज्ञानांजलि संकल्प यही ले लें कि आज सायंकाल में हम भगवान की आरती और गुरु की आरती अर्थात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की मंगल आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आज का ये ज्ञानांजलि महोत्सव का प्रथम दिवस जो सन 1952 का इतिहास स्मरण कराता है, उस दिवस को हम सब ने स्मरण किया। बाराबंकी वालों के लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिवस है, जहाँ से 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी आरिका ने गृह त्याग करके एक इतिहास बनाया था, उस इतिहास का स्मरण आज प्रथम दिवस किया गया। इस वर्ष बाराबंकी नगर के पूरी समाज के लोगों ने बहुत ही प्रयास किया कि पूज्य ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास बाराबंकी में हो जाए, लेकिन ज्ञानमती माता जी ने अपने लक्ष्य को एक विराट रूप प्रदान किया है कि मुझे अयोध्या में भगवान ऋषभ देव के चरणों में रह करके और अयोध्या तीर्थ का ही सर्वतोमुखी विकास करना है। तो इस लक्ष्य को लेकर ये सन 2023 का चातुर्मास बाराबंकी ना होकर अयोध्या में हो रहा है, लेकिन इसको बाराबंकी ही समझना, और बाराबंकी के लोगों को कुछ निराशा हुई पर आशा बनाए रखें और समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ प्राप्त करते रहें। यही सबके लिए आए हुए मेहमानों के लिए, तो आप लोग मेहमान हो, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारी